हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं रेनू मैम मीरापुर पब्लिक स्कूल से। आप 5 क्लास के बच्चों को पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर हिंदी बुक से चैप्टर 2 आदमी की पहचान नामक शीर्षक आदमी की पहचान चित्रकथा के बारे में आप लोगों को बताए थे। उम्मीद है आप लोग उसको पढ़े होइएगा, समझ में आप लोगों को कहाँ कथा आई होगी। इस चित्रकथा के माध्यम से हमें पता चला था कि हमें आदमी की पहचान उसके कपड़ों से देख करके नहीं करना चाहिए। आदमी को सम्मान देना है तो उसके गुणों को दीजिए, कपड़ों को नहीं। कपड़ा तो सभी पहनते हैं, गुण किसी किसी के पास होता है। तो कभी भी हमें व्यक्ति के गुण का अनादर नहीं करना चाहिए, गुण को सर्वथा सर्वोपरि ही रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का अच्छा गुण हमें दिखना चाहिए, उसके अवगुण को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। इसके बाद में आप लोगों को शब्दार्थ याद करने के लिए दिया गया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग शब्दार्थ भी याद किए होइएगा। आगे मौखिक क्वेश्चन आंसर है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि नसरुद्दीन साहब को जो चिट्ठी मिली उसमें क्या लिखा होगा। ये अमेजिंग करने की बात है, आपको खुद से समझना है, सोचना है कि उस चिट्ठी में क्या लिखा होगा जो उनको चिट्ठी ला करके उनका सेवक दिया, धनी आदमी के यहाँ से जो उनको चिट्ठी आई थी, उस चिट्ठी में क्या लिख करके आया होगा। नसरुद्दीन, इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिखा देती हूँ, आप लोग देख करके, जैसे कि मैंने पहले बताया गया है कि आप लोग हियर के कॉपी में चैप्टर 1 का, मुझे विश्वास है कि चैप्टर 1 का जो पोयम था, कविता थी, वह आप लोग याद कर लिए होइएगा। उसका सारा क्वेश्चन आंसर आपके वीडियो में, पीछे के वीडियो में डाला गया है, आप उसको याद करके हियर के कॉपी में लिख लिए होइएगा और याद भी कर लिए होइएगा। उसी तरह अब उस हियर के कॉपी में चैप्टर 2 के बारे में, पाठ 2 के बारे में आपको मौखिक क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ लिखा देती हूँ। क्वेश्चन सहित लिखा रही हूँ क्योंकि पता नहीं अभी आप लोग बुक खरीदे हैं कि नहीं खरीदे हैं। नहीं खरीदे हैं तो यहाँ से आपको लिखने में आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन है, नसरुद्दीन साहब को जो चिट्ठी मिली उसमें क्या लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन है मौखिक क्वेश्चन का, कि नसरुद्दीन साहब को जो चिट्ठी मिली उसमें क्या लिखा होगा। इसका उत्तर होगा कि उस चिट्ठी में लिखा होगा कि आदरणीय नसरुद्दीन साहब, आदरणीय नसरुद्दीन साहब, आप मेरे कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। आदरणीय नसरुद्दीन साहब, आप मेरे कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। ऐसे किसी को आमंत्रण पत्र देने में हम जरूर लिखते हैं कि आप मेरे इस कार्यक्रम में, वैवाहिक कार्यक्रम में या किसी भी जगह पवित्र कार्यक्रम में, किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो हम अपने गिफ्ट को अपने गांव नगर के लोगों को आमंत्रित करते हैं। तो इस तरह से उस नसरुद्दीन साहब के पास भी एक चिट्ठी आई थी, उसमें हम सोच सकते हैं कि क्या लिखा होगा। तो आदरणीय नसरुद्दीन साहब, आप मेरे यहाँ कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नसरुद्दीन साहब ने धनी आदमी के लिए कुत्ते का डिब्बा क्यों भिजवाया। कहानी में, कथा में आप लोगों को पता है कि जब ये पुराने कपड़े में ही दूसरे ही जगह से कार्यक्रम में चले गए थे तो इनके धनी आदमी इनको पहचान नहीं पाया था, नज़रअंदाज कर दिया था इनको। तो ये लौटकर घर आए और अपने सेवक से वे कुर्ते का डिब्बा और एक चिट्ठी लिख करके उसमें डाल करके भेज दिया। तो क्यों भिजवाया होगा कुर्ते का डिब्बा और चिट्ठी, क्यों भिजवाया गया होगा धनी आदमी के पास। तो इसका नसरुद्दीन साहब ने धनी आदमी के लिए कुर्ते का डिब्बा क्यों भिजवाया। धनी आदमी के पास कुर्ते का डिब्बा भिजवाने का कारण रहा होगा कि, इसमें परफेक्ट कारण नहीं है,
खुद से सोच समझ करके लिखना है कारण। रहा हो कारण रहा होगा कि वह ध्वनि आदमी ये न समझे कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। आप किसी को देख करके ऐसा वह क्या है, उसके पास क्या है, इसके बारे में अंदाज लगाना बहुत कठिन होता है। तो धनी आदमी ये न समझे कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, ये पुराने कपड़े पहन के गए थे तो इसलिए दीवा भिजवाए होंगे कि वह आदमी धनी व्यक्ति जो था ये न समझे कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, और लज्जित होकर, इससे वे लज्जित होंगे, आगे किसी का कपड़ा देखकर सम्मान करने की भूल न करें। वे लज्जित हों इस पत्र को पढ़कर, इस चिट्ठी को पढ़ करके और डिब्बा का, कुत्ते का डिब्बा देख करके, ताकि अगले बार आगे से लज्जित होंगे तो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे कि हम किसी का कपड़ा अच्छा होगा तब उसको सम्मान दिया जाएगा, कपड़ा अच्छा नहीं होगा तो सम्मान नहीं दिया जाएगा, इस गलती को दोबारा ना करें। क्वेश्चन नंबर 2 में है, नसरुद्दीन साहब दोबारा कार्यक्रम में पहुंचे तब उनका स्वागत किस तरह किया गया। नसरुद्दीन साहब जब दोबारा कार्यक्रम में पहुंचे तब उनका स्वागत किस तरह किया गया। इसका उत्तर होगा, नसरुद्दीन साहब दोबारा कार्यक्रम में पहुंचे तब उनका स्वागत खूब अच्छे से किया गया। नसरुद्दीन साहब जब दोबारा कार्यक्रम में पहुंचे तो उनका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से, वह धनी आदमी सभी लोगों से उनको मिला रहा है और खूब अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। आप लोगों को यह मौखिक क्वेश्चन का आंसर, 3 ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखवा दिए, आप लोग लिख लीजिएगा फेयर के कॉपी में। और HW में आज के लिए HW में इसे फेयर की कॉपी में लिखना है और याद भी करना है, राइट, फेयर के कॉपी में लिखना है और याद करना है। आज के लिए इतना, फिर कल दूसरे वीडियो में ऑप्शनल क्वेश्चन है या फिर और दूसरा क्वेश्चन आंसर है उसको लिखाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।